चलो आज बनाते हैं क्रेयॉन्स के साथ खूबसूरत सी तस्वीर। आइए पूरा जानते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पेपर पे चारों बाजू सेलो टेप लगा दी है ताकि पेपर खिसके भी नहीं और पेंटिंग के कलर्स बाहर आए तो भी निकल जाए। पूरे पेपर पे डार्क ब्लू और लाइट स्काई ब्लू कलर यूज करके पेपर कवर कर लेंगे। कैसे करते हैं देखें। कलर कुछ इस टाइप से करना है कि दो कलर एक लगने लगे, जैसे स्काई ब्लू और डार्क ब्लू। मैंने जो वाइट बॉर्डर बनाई थी उसके ऑपोजिट मतलब बीचों बीच स्काई ब्लू करना है और आजू बाजू डार्क ब्लू होना चाहिए। हाँ, अब देखें ऊपर वाला डार्क ब्लू नीचे कर रही हूँ। कुछ यहाँ पे हमें मिरर टाइप ड्रॉ चाहिए। और मैंने व्हाइट बॉर्डर बनाई थी उसको छोड़ के कलरिंग की है। यहाँ पे व्हाइट कलर अपना मैजिक दिखाने वाला है। पूरे में व्हाइट चौक घिस लेना है, चौक मतलब क्रेयॉन्स। पेपर के टुकड़े को पेंटिंग के ऊपर कुछ इस तरह से घिसना है कि सारे कलर एक हो जाए और शाइन करने लगे। मैजिक देखते जाओ। पेंटिंग में सबसे सीक्रेट बात यही थी, कलर को मिलाना। धीरे धीरे कलर भी अपना मैजिक दिखाता जा रहा है। देखिए कलर भी अपने आप में किस तरह से मिल रहे हैं। जैसे ही मैं घिसती जा रही हूँ वैसे ही वो मिलते जा रहे हैं। पेंटिंग का सबसे बेस ही अच्छा बनेगा तो पूरा पेंटिंग अपने आप अच्छे से सेट हो जाएगा। जब तक मुझे यहाँ पे प्रॉपर मिक्सिंग नहीं मिलेगी तब तक मैं घिसती जाऊंगी। पेंसिल से मैं यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना रही हूँ क्योंकि अब मैं पानी पे चलने वाला पूल बनाने वाली हूँ। हम ए फॉर एप्पल लिखते हैं, बस ठीक वैसा ही हमें कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना है। जो ऊपर का छोटा बॉक्स है वही साइज का नीचे तक पूल बनाते हुए जाना है। बॉक्स के लाइन पे ही लाइन मिलनी चाहिए। यहाँ पर मैं पूल की रस्सी बनाने वाली हूँ। दोस्तों ध्यान से देखते रहेंगे तो ये पूल कैसे बना रही हूँ वो समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल वैसे मैंने बनाया हुआ है। ऊपर वाले छोटे से पूल को नीचे से कैसे अटैच करें वो देखते हैं। ऊपर से थोड़ा इंच छोड़ के और नीचे के पूल के बराबर बीचों बीच लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तभी हमारा खड़ा पूल दिखेगा। यहाँ पे चलने वाला रास्ता पूरा ब्लैक कलर से भर देंगे। और हाँ, पेंसिल से ड्रॉ इसलिए किया था ताकि कलर को अच्छे से सेट कर पाए। डायरेक्ट कलर करेंगे तो पूरा मिस्टेक होने ही वाला है क्योंकि पुल पे इतनी छोटी छोटी चीजें अटैच होती है कि हमें ड्रॉ करके ही समझ में आता है। यहाँ पर मैं बिना सोचे ही कलर कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने ड्रॉ बना ली है। क्या आपने लकड़ी के पुल को देखा है? अगर देखा है तो ये भी देखा होगा, वो थोड़ा सा ब्राउन, थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा व्हाइट ऐसा कुछ दिखने में आता है। बस वही चीज हम ये पुल में लाने वाले हैं। इसलिए अब यहाँ पे मैं ब्लैक के ऊपर ब्राउन बनाने वाली हूँ। फिर क्रेयॉन्स भी अपना कमाल दिखाई देगा। और हाँ, ये कलर करने के बाद पेपर घिसना ना भूले। और पेपर इस टाइप से घिसना, सीधे पुल पे सीधा ही पेपर जाने देना है। टेढ़ा मेढ़ा पेपर लगा हुए तो आजू बाजू पे भी लग जाएगा कलर। हम यहाँ पे नोकीली डंडी से
पुल का शेप देते जाएंगे। हम दूर खड़े रहते हैं तब हमें पुल दूर से थोड़ा सा छोटा दिखता है, फिर हम जहाँ खड़े रहते हैं वो बड़ा दिखता है। कुछ इस टाइप से ही हम ड्रॉ करते हैं। दूर के पुल पे थोड़ी पास पास लाइन बनानी है, फिर जैसे ही नजदीक आती जाएगी वैसे ही थोड़ी स्पेस दे दे के लाइन बनानी है। थोड़ी बहुत रोशनी गिरती है वो हमें पुल की वाइट लाइन दिखती है। जैसे इस तरह हम क्रेयॉन से पुल पे थोड़ी थोड़ी वाइट लाइंस बनाती जाएंगे ताकि दिखे कि रोशनी पड़ रही है। साइड के पकड़ने वाला हैंडल पूरा सा ब्लैक बना देंगे। यहाँ पे स्पेशल ब्लैक और व्हाइट कलर से मैजिक होने वाला है। आपने देखा रहेगा ज्यादा करके मैंने व्हाइट और ब्लैक यूज किया है, और खास करके ब्लैक तो जरूर। बस यही प्रोसेस रखनी है, ब्लैक के ऊपर ब्राउन करना है, फिर थोड़ी सी रोशनी दिखाने के लिए हमें व्हाइट कलर करना है, तभी तो थोड़ा बहुत असली पुल दिखाई देगा। देखा फिर से ब्लैक आ गया। घास को बनाने के लिए भी ब्लैक पहले चाहिए, हमें जिस तरह से घास को लेके जाना है वैसे ही ब्लैक कलर देना है। मुझे जिस तरह से घास का शेप देना है वैसे ही मुझे पहले ब्लैक शेप दे देना है, उसके बाद ही उसके ऊपर ग्रीन कलर करना है। थोड़ा सा मैं ज्यादा प्रेशर देके ग्रीन कलर कर रही हूँ, ये अच्छे से उभर के दिखने वाला है। जैसे ग्रीन कलर करती जा रही वैसे ही आप लोग को आर्ट थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं कमेंट जरूर कीजिए, और एंड तक देख के हमारे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब शेयर करना भी ना भूले। आ जाओ पहाड़ों की शेयर करते हैं। हमेशा पहाड़ों के टोच के ऊपर छोटे बड़े वृक्ष दिख कर आते हैं। क्या आप सबको भी ऐसा लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। बस वही टाइप से हम ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे पहले पूरा पहाड़ ब्लैक कलर से बनाना है। पहाड़ों के पानी पे पड़ती हुई परछाई कैसे भूल सकते हैं, ठीक वैसे ही बनानी है जैसे हमने ऊपर प्रोसेस किया है कि ऑपोजिट ही हमने बनानी है। छोटे पहाड़ के पीछे बड़ा पहाड़ कितना सुंदर दिख के आ रहा है, क्या आपके मन में भी कभी ये विचार आया था? आया तो रहेगा पहाड़ों को देख के, कमेंट्स करिए। हमें हमेशा पीछे का पहाड़ लाइट ही बनाना है, इसलिए हम ब्लैक के ऊपर ग्रे कलर करने वाले हैं। चलो अब फिनिशिंग देने की बारी आई गई है, थोड़ा बहुत फिनिशिंग कर लेते हैं। और आप लोग तब तक सोचे यहाँ पे सूरज या बनने वाला है या चांद बनने वाला है, सोचे सोचे और कमेंट्स करिए। चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर ड्राइंग कर।
हाँ, ड्राइंग कर। जी हाँ, आप लोग को भी ये ड्राइंग बना के बताना है कि आप लोग बना पा रहे हो या नहीं। मेरा बोलने का मतलब है कि मैं ठीक से ड्राइंग आपको दिखा पा रही हूँ या नहीं, प्लीज जरूर बताइए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। नहीं करना है तो ड्राइंग बना कैसा लग रहा है वो कमेंट्स कर दीजिए। पूरा पेंटिंग देखने के लिए धन्यवाद।